बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अबू अल फातेह और आप देख रहे हैं द आशियन ऑफ नॉलेज एंड हिस्ट्री। नाजरीन, इन दिनों फुटबॉल का जुनून पूरी दुनिया के सर पे सवार है, क्योंकि कतर में होने वाला फीफा वर्ल्ड कप 2022 नॉकआउट मरहले में दाखिल हो चुका है। लाखों शायकीन फुटबॉल कतर में होने वाले इस वर्ल्ड कप को खूब इंजॉय कर रहे हैं। इसी नॉकआउट मरहले में कल मोरक्को और स्पेन के दरमियान कांटेदार मुकाबला हुआ। याद रहे, मोरक्को और स्पेन की आपस की चपकलश बहुत पुरानी है और दोनों मुल्क कई तनाज़ात का अभी तक हल नहीं निकाल सके और कई जंगें भी लड़ चुके हैं और ये तनाव मैच के दौरान भी नज़र आया। इस नॉकआउट मरहले में क्वालिफाई करने वाले वाहिद मुस्लिम मुल्क मोरक्को ने दिलचस्प और सनसनीखेज मुकाबले के बाद अपने हरीफ स्पेन को पेनल्टी किक्स पर 3-0 से शिकस्त देकर वर्ल्ड कप से आउट कर दिया और क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। इस मैच का हीरो मोरक्को के गोलकीपर यासिन बोनो को करार दिया जा रहा है, जिसकी ज़बरदस्त गोलकीपिंग की वजह से स्पेन मैच के दौरान तो क्या, मैच के बराबर होने के बाद पेनल्टी किक्स पर भी कोई गोल स्कोर ना कर सका। लंदन, न्यूयॉर्क, टोरंटो गर्ज दुनिया के हर बड़े शहर में मौजूद मोरक्को के शहरी मोरक्को के परचम लिए अपनी फतह का जश्न मनाने सड़कों पर निकल आए। मोरक्को के साथ साथ दुनिया इस्लाम में भी जश्न का समा है और सब मोरक्को की इस जीत को सेलिब्रेट कर रहे हैं। याद रहे कि इस ज़बरदस्त जीत के साथ ही मोरक्को तारीख रकम कर चुका है। मोरक्को पहला अरब मुल्क बन चुका है जिसने किसी भी फीफा वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। मोरक्को का स्टार प्लेयर अशरफ हकीमी, जिसने फैसला कुन पेनल्टी पे गोल स्कोर करके स्पेन को वर्ल्ड कप से आउट किया, भागता हुआ पवेलियन में बैठी अपनी वालदा के पास पहुंचा और उसके हाथ चूम लिए। मोरक्को के एक फैन का कहना था कि हम बहुत खुश हैं, ये एक तारीखी लम्हा है, हमने वो कर दिया जो हम पिछले 36 साल से ना कर सके थे। इस ज़बरदस्त फतह के बाद ग्राउंड में अपनी फतह को सेलिब्रेट करते हुए मोरक्कन खिलाड़ियों ने फ़लस्तीनी परचम लहरा दिया। उर्दन के रहने वाले एक फ़ैन का कहना था कि यह सिर्फ मोरक्को की नहीं बल्कि पूरे अरब की फतह है और ज़्यादा खुशी की बात यह है कि ये अरब की सरजमीन पर हासिल की गई। वेस्ट बैंक के रहने वाले एक फ़लस्तीनी फ़ैन का कहना था कि आज मोरक्को ने पूरी उम्मत मुस्लिमा को फतह की खुशी दी है। मोरक्को का अगला मैच पुर्तगाल के साथ है, जिसने नॉकआउट मरहले में स्विट्ज़रलैंड को 6-1 के बड़े मार्जिन से शिकस्त देकर क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई किया है। ऑन पेपर्स अगर देखा जाए तो इसमें कोई शक नहीं कि पुर्तगाल ज़्यादा स्ट्रांग टीम है, लेकिन मोरक्को की हालिया कारकर्दगी को देख के लग रहा है कि ये मुकाबला भी कांटेदार होगा और मोरक्को पुर्तगाल को हराने की पूरी सलाहियत रखता है। इस मैच से पहले तक मोरक्को और पुर्तगाल 2 दफ़ा वर्ल्ड कप मैचेस में आमने सामने आ चुके हैं। पहली बार 1986 में होने वाले वर्ल्ड कप में पहली दफ़ा मोरक्को और पुर्तगाल का आमना सामना हुआ, जिसमें मोरक्को ने पुर्तगाल को 3-1 से शिकस्त देकर फतह अपने नाम की। और दूसरी दफ़ा लास्ट वर्ल्ड कप यानी 2018 में दोनों टीमों का आमना सामना हुआ, जिसमें सनसनीखेज मुकाबले के बाद पुर्तगाल ने मोरक्को को 1-0 से शिकस्त दी। 10 दिसंबर को होने वाले क्वार्टर फाइनल में दोनों टीमें तीसरी दफ़ा आमने सामने होंगी और उम्मीद है कि एक और कांटेदार मुकाबला देखने को मिलेगा। मेरी और पूरी उम्मत मुस्लिमा की दुआएं मोरक्को के साथ हैं कि इंशाल्लाह मोरक्को ये मैच जीतकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेगा इंशाल्लाह। आप इस वर्ल्ड कप में किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।